लेयर्स विद इन लेयर्स है, ऐसा नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट इसका कोई सोल्यूशन है, बट शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं? देखिए, मैं एक मेरी अपनी यूनिवर्सिटी का उदाहरण दे सकती हूँ। हमारे यहाँ 40 साल तकरीबन पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी, और शुरू से ही हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बहुत बच्चे आते रहे हैं, तो अब तक तो हजारों नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं और बहुत सालों तक कंटिन्यू भी करते हैं रिसर्च भी। अब बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट्स और पीएचडी वहां पे नॉर्थ ईस्ट पे भी कई जगह में कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप क्लासरूम में और हॉस्टल में और एडमिनिस्ट्रेशन में आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, टीचर्स जिस तरह से बिहेव करते हैं, पूरा एक कल्चर आप एक बनाते हैं जहां इस तरह की चीजों के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेशन या कुछ मजाक कहीं कुछ होने लगता है तो आप अपने एक्शन से और तरीके से आप समझाते हो, आप उसको दिखा देते हो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये गलत है। और क्यों गलत है? आप पढ़ाते पढ़ाते 100 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, डायरेक्टली भी नहीं इनडायरेक्टली, जैसे आप ये सब चीजें आप एक कल्चर इनकल्केट करते हैं। इसीलिए मैं जो एक ब्रॉड बात मैं पहले भी कह रही थी कि आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करिए विजावी नॉर्थ ईस्ट, आप ये कहेंगे यू डोंट डिस्क्रिमिनेट फुल स्टॉप, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ब्लैक्स, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट लोअर कास्ट, यू डोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, यू विल टेल ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ईच अदर। व्हेन आई यूज टू हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इन वन ऑफ माय सेमिनार्स वेयर आई हैड एक कुकी स्टूडेंट था और एक नागा स्टूडेंट था, और जब हम लोगों का डिस्कशन होता था 10 बच्चे और होते थे तो जो